तो चार गली एक दुकान थी, भी दो दुकान हुई, भी तीन हो गई, इस तरह बढ़ते तो ये पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में अचार गली के नाम से मशहूर हो गई। बहरुसब्ज़वारी बहुत छोटे थे एक ज़माने में यहाँ आया करते थे, अब तो मेरी उम्र के हिसाब से वो भी बड़े हो गए। तो जावेद शेख होते थे, मुनव्वर सही टीम फिल्मों में अब आते हैं, अब तो कराची से चले गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़हीम है और ये है हैदराबाद कॉलोनी, ये अचार वाली गली कहलाती है और मेरे वालिद 70-72 साल से ये कारोबार कर रहे हैं, अब उसके बाद मैं कर रहा हूँ, अब मेरे बेटे आ गए हैं। ये हैदराबाद कॉलोनी है, कराची की जब पाकिस्तान बना तो सबसे आबादी यहाँ है, हैदराबाद कॉलोनी के नाम से मशहूर हुई और सारे हैदराबाद दक्कन से लोग आके यहाँ आबाद हुए, तो इसी इसका नाम हैदराबाद कॉलोनी रखा गया। और हैदराबाद कॉलोनी का हैदराबादी सौगात, खाने पीने का आइटम, तो ये सारे कराची में सिर्फ हैदराबाद कॉलोनी में बनी। तो अचार गली एक दुकान थी, भी दो दुकान हुई, भी तीन हो गई, इस तरह बढ़ते तो ये पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में अचार गली के नाम से मशहूर हो गई। अचार तो कई अकसाम के हैं और इसका बनाने का जो है बिल्कुल अलग तरीक़ाकार है। हैदराबादी अचार जितने बनते हैं, एक तो मसाले भुने हुए कच्चे मसालों का इस्तेमाल नहीं है, अदरक लहसुन का इस्तेमाल है, तेल का इस्तेमाल है, वो भी तेल कच्चे तेल के कोई अचार नहीं बनते, सब बघार के बनते हैं। और ये जायके के, ये मेयार के अचार पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलते और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग, पूरे पाकिस्तान से यहाँ से अचार ले जाते हैं। अचार जो है पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान नहीं, तो इंडिया से जितने लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए उन सबको अचार खाने की रिवायत पड़ गई है और वो शुरू से खाते आ रहे हैं। फेमस अचार तो बहुत सारे हैं, एक अचार नहीं है। हैदराबादी अचार आप जो भी लेंगे उसका जायका सब अचारों से डिफरेंट होता है। अचार तो आम का भी बनता है, मिक्स भी बनता है, और लहसुन का अचार, अदरक का अचार, गोश का अचार, झींगे का अचार, करेले का अचार, तो ये अकसाम के अचार और ये जायके के कहीं और मिलते नहीं। ये सब पहले मेरी घर में मेरे वालदा और मेरे वालिद करा करते, जिस वक्त कारोबार शुरू करे पाकिस्तान आने के, उसके बाद ऐसा ऐसा फिर हम लोगों ने सीखा, फिर हमारे पास काम करने वाले कारीगर, तो ये सब मेरे वालिद से मैंने सीखा। बहुत से फैन हैं कराची में, जितने लोग हैं आज से समझिए आप 50 साल पहले जब PTV आबाद हुआ, तो उस ज़माने में जितने अदाकार, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, ये सब हैदराबाद कॉलोनी में ही लंच किया करते थे। उस ज़माने में हैदराबाद का टीवी स्टेशन में खाने का कोई कैंटीन नहीं होता था, भजी आती थी मेरे पास, अनवर मकसूद आते हैं, मोहसिन शिराजी आया करते थे उस ज़माने से, सुभानी भाई यूनुस, महमूद अली, खाजी वाजी, और जो ये सब पुराने कस्टमर हैं, हसीना मोइन भी आती हैं, अनवर मकसूद आते थे, और इतने लोग हैदराबादी जितने पुराने लोग वो अभी भी आते हैं और जो अब दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी औलादें आ रही हैं। बहरुसब्ज़वारी बहुत छोटे थे एक ज़माने में यहाँ आया करते थे, अब तो मेरी उम्र के हिसाब से वो भी बड़े हो गए। तो जावेद शेख होते थे, मुनव्वर सही टीम फिल्मों में अब आते हैं, अब तो कराची से चले गए, तो आज तक वो उनका मुलाजिम आ गया लाहौर भिजवाना, ये तो माशाल्लाह जो कराची से चले गए वो भी अचार मंगवाते हैं ख़ास तौर पे। माशाल्लाह अचार तो बहुत लोग खाते हैं, जितना कराची में सरहद का रहने वाला रिक्शा चलाता है आप उसको बोलेंगे कि अचार गली चलना है, वो सीधा हैदराबाद और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सरहद में ये सब अचार खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अचार यहाँ का यूज़ नहीं कर रहा, और बेइंतहा कस्टमर है मेरे, बहुत कस्टमर आते हैं, ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा। लोग कहाँ कहाँ स्वाद से आते हैं, कोई पेशावर से आता है, कोई पूरी जगह, पूरे पंजाब से भी लोग आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, कराची से लेकर तुरबत तक अचार बिकता है। मेटाटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए मेटाटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आप आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।